दिल बंधे बंधे एक डोरी से, दो दिल बंधे बंधे एक डोरी से, दो दिल बंधे बंधे एक डोरी से, दो दिल बंधे बंधे एक डोरी से। रुक जाइए रघु जी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं रघु जी? आपने मुझसे वादा किया था ना कि आप मेरा दर्द छुड़वाने आएंगे। मैं वहां आपका इंतजार कर रही हूँ और यहाँ आप किस औरत का दर्द छुड़वा रहे हैं जो आपकी कुछ नहीं लगती और ना ही जिसने व्रत रखा। काय बकवास कर रही है? जो सिखाया थारे माँ बाप ने। मैं बकवास नहीं कर रही, जो सच है वही बता रही। सुबह से बैठकर चॉकलेट पे चॉकलेट खाई जा रही और सबके सामने ये नौटंकी कर रही है व्रत रखने का। आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं आ रहा ना, तो पूछ लीजिए अपने बेटे से। बताइए रघु जी, आप बेबी जी के लिए चॉकलेट लेकर आए थे कि नहीं? अरे हाँ, रघु ने हम लोग से झूठ बोले था कि निशी के वास्ते चॉकलेट लाया। हाय राम, रात त्योहार के नाम पर भी ऐसा मजाक? अरे हम लोग ही बेवकूफ है जो आज तक ये समझते रहे कि रघु के वास्ते राजकुमारी जी पूरा दिन भूखे रवैये। आप सब लोग गलत समझ रहे हैं, हमें बहुत जोर से भूख तो लगी थी और हम चॉकलेट खाना भी चाहते थे, लेकिन जब हमने करवा चौथ व्रत की कथा सुनी तब हमसे चॉकलेट खाई नहीं गई। एक तो आपने साथ साथ हम लोग का व्रत का भी सत्यानाश किया और फिर झूठ बोल रही हो। आप लोग बेबी जी मामी जी को मत डांटती है, उन्होंने एक भी चॉकलेट नहीं खाया, सबके सब मुझे दे दी। ए देखिए। सुन लिया, अब तो तसल्ली हो गई ना थाने। अब कहने खड़ी अठे जाटे सो चढ़ जा। चली जाऊं, लेकिन उससे पहले मुझे रघु जी से कुछ पूछना है। क्यों रघु जी, आपने तो कहा था कि आपकी और बेबी जी की शादी झूठी है, और जैसे ही बेबी जी अपनी हवेली चली जाएंगी आप मुझसे शादी कर लेंगे, तो फिर ये सब दिखावा क्यों? ये पूजा, ये व्रत क्यों? आप कहते क्यों नहीं कि बेबी जी आपकी पत्नी बनने का सिर्फ नाटक कर रही है, कि आप दोनों की शादी के कोई मायने नहीं है? क्यों नहीं कहते कि आप दोनों मिलकर सारे बस्ती वालों को बेवकूफ बना रहे हैं? बताइए ना रघु, सबको बताइए आपका और बेबी जी का रिश्ता क्या है? किस हक से उन्होंने आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखा है? क्या लगती है वो आपकी? बताइए, सबको बताइए, बताइए, बोलिए ना रघु जी। आप सबको सच सुनना है ना? हाँ, बेबी जी मेरी पत्नी है।